नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल मानिए स्पीक। आज मैं तीन पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट है कि शेयर क्या होता है, सेकंड है शेयर मार्केट क्या होता है एंड कैसे उसमें ट्रेडिंग होती है, थर्ड है कि किन चीजों की जरूरत है आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज शेयर? दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने या ग्रो करने के लिए कैपिटल यानी पैसे की जरूरत होती है, और वो भी बहुत सारे पैसे, जिसके लिए कंपनी के छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं जिसे हम शेयर्स कहते हैं, और उन्हें पब्लिक को बेच दिया जाता है। सपोज एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स, इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है ABC, जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए, और ये अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं जिसके लिए इन्हें 40 लाख रुपीज की और जरूरत है। और मिस्टर एक्स के पास इतने पैसे नहीं है, तो वो अपनी कंपनी के 4 लाख शेयर्स ₹10 पर शेयर्स की फेस वैल्यू के साथ मार्केट में इशू कर देंगे। दोस्तों, फेस वैल्यू कंपनी को शेयर इशू करने से पहले डिवाइड करनी पड़ती है, जो जनरली ₹10 पर शेयर होती है। अब जो पब्लिक है वो ABC कंपनी के शेयर्स खरीदेगी और मिस्टर एक्स को मिल जाएंगे 40 लाख रुपए बिजनेस की ग्रोथ के लिए, एंड जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें मिल जाएगी कंपनी की हिस्सेदारी। पर इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फायदा कैसे होगा? क्या उन्हें कंपनी प्रॉफिट देती है? इसके बारे में आज दोस्तों आगे बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। दोस्तों, जैसे आपको अगर कुछ परचेज करना होता है तो आप मार्केट में जाते हैं, वैसे ही शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के लिए भी मार्केट्स होती हैं। दोस्तों, पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर एंड इंटरनेट ना यूज़ नहीं किया जाता था, तो जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है वो फिजिकली होती थी, ऑक्शंस वगैरह जो बोली लगती थी शेयर्स की। लेकिन आज के टाइम पे जब इंटरनेट का इतना ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, तो ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। आप घर में बैठ के भी शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग वो कर सकते हैं। दोस्तों, जो दो बहुत पॉपुलर मार्केट्स हैं वो हैं NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, दो बहुत ही पॉपुलर मार्केट्स हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग्स होती है शेयर्स की, और इसके अलावा भी कई और मार्केट्स हैं जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी है, पर जो सबसे दो पॉपुलर हैं वो यही हैं NSE एंड BSE। दोस्तों, जितनी भी कंपनीज होती है जो अपने शेयर इशू करती है, उनको पहले अपने आप को इन मार्केट्स में रजिस्टर करवाना पड़ता है। दोस्तों, NSE में 1700 कंपनीज लिस्टेड हैं और BSE में लगभग 5400 कंपनीज लिस्टेड हैं। दोस्तों, NSE के जो रिलेटिव उतार चढ़ाव होते हैं स्टॉक्स के अंदर, उन्हें हम कहते हैं निफ्टी। BSE के अंदर जो उतार चढ़ाव होते हैं शेयर्स के अंदर, उसे हम कहते हैं सेंसेक्स। इसके बारे में आपने सुना भी होगा। दोस्तों, SEBI ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हुई हैं, उन गाइडलाइंस के आधार पर ही जो इन्वेस्टमेंट है और जो स्टॉक्स एंड शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वो इन मार्केट्स में होती है। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बेसिकली जो शेयर मार्केट है वो कैसे काम करता है। हाउ शेयर मार्केट वर्क्स। दोस्तों, सपोज कीजिए BSE है, कंपनी पहले अपने आप को BSE में रजिस्टर करती है, एंड जो फाइनेंशियल ब्रोकर्स हैं वो भी शेयर मार्केट्स के लिए काम करते हैं एज ए एम्प्लॉय, उनका उसमें कमीशन होता है। दोस्तों, फाइनेंशियल ब्रोकर्स होते हैं जो पब्लिक होती है, जिनको शेयर्स और स्टॉक्स की नॉलेज नहीं होती है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो आपको एज एडवाइस देते हैं और आपके लिए जो बाइंग एंड सेलिंग है उसका काम भी करते हैं वो, और बदले में आपसे कमीशन लेते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर जो लोग हैं जो वो स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो फाइनेंशियल ब्रोकर की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं होती है इसके बारे में, तो एक बेटर ऑप्शन रहता है कि आप फाइनेंशियल ब्रोकर्स की हेल्प लें। दोस्तों, सपोज कीजिए मिस्टर बी हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है शेयर एंड स्टॉक्स के बारे में, तो वो कॉन्टेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ब्रोकर को शेयर्स खरीदने के लिए, और फिर जो फाइनेंशियल ब्रोकर है वो मिस्टर सी को कॉन्टेक्ट करेगा उनके शेयर्स खरीदने के लिए। अगर मिस्टर सी बेचने में इंटरेस्टेड है तो वो फाइनेंशियल ब्रोकर को कॉन्टेक्ट करेंगे अपने शेयर्स बेचने के लिए, और वो फाइनेंशियल ब्रोकर जैसी रिक्वायरमेंट है मिस्टर बी की उनको उसके हिसाब से कॉन्टैक्ट करेगा वो शेयर्स परचेज करने के लिए। अगर दोस्तों मिस्टर बी को सारी नॉलेज है मार्केट के बारे में, तो वो डायरेक्टली भी मिस्टर सी के साथ परचेज कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल ब्रोकर को उनको कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे जो है बेसिकली शेयर मार्केट काम करता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जो शेयर होल्डर्स है वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। दोस्तों, जब एक पर्सन एक कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उसमें कोई खास लिमिट नहीं होती है। आप एक छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और करोड़ों में भी जाती है वो। तो उसी हिसाब से दोस्तों, जो ओनरशिप राइट्स हैं और जो अदर वोटिंग राइट्स हैं या फिर बहुत तरह के राइट्स होते हैं
वो उन्हीं शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, उनका जो शेयर का प्रपोर्शन है उसके हिसाब से। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ दोस्तों, कि जो एक कंपनी का बहुत छोटा सा हिस्सा परचेज करते हैं वो इससे कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। तो कंपनी ABC का एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, इसकी फेस वैल्यू है ₹10, इसने इशू किया है 4 लाख शेयर्स ₹10 पर शेयर के हिसाब से ₹40 लाख के लिए। और मिस्टर बी हैं जिन्होंने 1,000 शेयर्स खरीद लिए ₹10 के हिसाब से ₹10,000 में। अब सपोज कीजिए कंपनी को अगले एक महीने में अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो क्या वो कंपनी मिस्टर बी को उसमें से हिस्सा देगी? जी नहीं। तो मिस्टर बी ये प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? दोस्तों जो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू से बढ़ जाती है। सपोज इसकी फेस वैल्यू थी 10, तो उसकी मार्केट वैल्यू 11 हो जाएगी। तो जहां पे मिस्टर बी ने उसको ₹10 में खरीदा था, तो अब उसकी मार्केट वैल्यू 11 हो गई है, तो उसको अगर ₹11 में बेचना चाहें तो उन्हें ₹1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बाइंग एंड सेलिंग में प्रॉफिट कमाया जाता है शेयर ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों ये तो होगी शेयर ट्रेडिंग की बात, इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं और बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह और भी बहुत टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। लेकिन बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो शेयर ट्रेडिंग में ऐसे ही जो शेयर होल्डर्स है वो पैसा कमाते हैं, रोज के रोज शेयर्स खरीदे जाते हैं, रोज के रोज बेचे जाते हैं जब उनके दाम बढ़ जाते हैं। और जिस तरह से इन्होंने प्रॉफिट कमाया है दोस्तों, वैसे ही अगर कंपनी को सपोज कीजिए लॉस हो गया तो जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है, उसकी कम वैल्यू पे उसको बेच देते हैं तो आपको लॉस हो जाता है। तो वैसे ही इसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम काम करता है। चलिए देखते हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इसमें पहले जरूरत पड़ती है एक सेविंग बैंक अकाउंट की, उसको हमें अपने डीमैट अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट हमारा एक अकाउंट बन जाएगा ऑनलाइन, जिससे हम जो हमारे जो डिटेल्स हैं हमारे शेयर स्टॉक से रिलेटेड वो हम सारी उसमें देख पाएंगे ऑनलाइन, कहीं से भी इंटरनेट के एक्सेस के थ्रू हम वो देख सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में दोस्तों जितनी भी हमारी परचेजिंग या सेलिंग होती है शेयर्स की, वो जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो ट्रेडिंग अकाउंट से होती हैं। और अगर हमें जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो हमारे डीमैट अकाउंट में फिर शो हो जाता है। सपोज कीजिए हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा वो प्रॉफिट हमारे डीमैट अकाउंट में पहले ट्रांसफर होता है, और फिर वो डीमैट अकाउंट से अगर हमारी जो हमें अर्निंग हुई है वो अर्निंग अगर हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो हमारे डीमैट अकाउंट से ट्रांसफर होती है। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों की जरूरत होती है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, और एक बहुत मेन चीज़ है दोस्तों वो है नॉलेज। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।